गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संजय कुमार फ्रॉम संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। हमारे यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि कोई भी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीखे थे। आज हम लोग कोई भी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीखेंगे। जैसे आपके सिलेबस का टॉपिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन अगर एक फंक्शन को अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीख चुके हैं तो उसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप सबको आता है तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आज का टॉपिक है मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करने के पहले जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसके जो फॉर्मूले हैं कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले समझिए कि अगर वाई किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन है, वाई किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन है, तो अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वाई को डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, डी बाई डी एक्स। इसको पढ़ने के लिए क्या पढ़ा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। वाई को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहता तो डी वाई बाई डी टी। तो देखिए, कॉन्स्टेंट कोई भी कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कोई भी कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे कॉन्स्टेंट में जनरली कोई सिंबल हो गया या नंबर, सभी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जैसे वन का डिफरेंशिएशन जीरो, टू का डिफरेंशिएशन जीरो, थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो, फोर का डिफरेंशिएशन जीरो। पावर के केस में रहेगा तो पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम कर देना। अगर x to the पावर n रहेगा, x के पावर में n रहेगा तो n x के पावर n माइनस वन एक कम कर देना। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन। एक्स स्क्वायर रखिए, पावर बाहर कीजिए उसके पावर में एक कम, पावर बाहर कीजिए उसके पावर में एक कम। उसी प्रकार से x के पावर 4 को तो 4x क्यूब, x के पावर 5 का 5x के पावर 4, x के पावर 6 का 6x के पावर 5, एक एक कम करते जाना। 1 बाई x का क्या होगा, माइनस 1 बाई x स्क्वायर, 1 बाई x का माइनस 1 बाई x स्क्वायर, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, log x का 1 बाई x, इसके बेस में कुछ नहीं तो e है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही कॉस इनवर्स का होगा सिर्फ माइनस लग जाएगा, टेन इनवर्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही कॉट इनवर्स का होगा सिर्फ माइनस लग जाएगा, सेक इनवर्स का वन बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक इनवर्स एक्स का वही सेम सिर्फ माइनस लग जाएगा। लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, इंटू में रहता है तो ये हमेशा प्लस में टूटता है, डिवाइड में रहता है माइनस में टूटता है, पावर में रहेगा पावर बाहर आ जाएगा, ये पावर बाहर आ जाएगा। ए बेस चेंज प्रॉपर्टीज का लाता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लॉग एम एन है तो लॉग एम लॉग एन, और बेस में जो मन करता है आप वो लगा सकते हैं, दोनों जगह सेम। लॉग वन का वैल्यू जीरो, बेस में कुछ भी रहे, दोनों अगर सेम हो गया, दोनों अगर सेम हो गया तो उसका वैल्यू वन। फिर लॉग ई, यहाँ पे कुछ नहीं तो ई है तो दोनों सेम हो गया, इसको एल एन ई भी लिखते हैं, इसका वैल्यू वन। फिर उसके बाद आप देखे थे एडिशन रूल, देखिए एडिशन रूल क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू u प्लस या माइनस भी रखे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, तो u इक्वल टू u y इक्वल टू u प्लस माइनस में भी रह गया, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस या माइनस डी वी बाई डी एक्स। कहने का मतलब अगर यहाँ प्लस रहता है तो प्लस देंगे, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, इसी को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अब आपको बताते हैं प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लीकेटिव
रूट या प्रोडक्ट रूट। अगर वाई इक्वल टू इस प्रकार से अगर कोई भी दो फंक्शन गुना में है, y इक्वल टू अगर दो फंक्शन गुना में है, दो फंक्शन कोई भी दो फंक्शन गुना में अगर उसको डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट करने का रूल क्या है, एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना है। तो शुरू में आप पहला को छोड़ दीजिए और दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। एक को शुरू में आप फर्स्ट को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंड को छोड़ दीजिए, फिर सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, वही पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एक बार में एक ही फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, तो पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट। ये था प्रोडक्ट रूल। डिवाइडिंग रूल क्या है, अगर y इक्वल टू यू बाई वी इस प्रकार से कोई भी फंक्शन अगर डिवाइड में, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का रूल क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूल है नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करके माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये था आपका। फिर एक आता है चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। चेन रूल में करना क्या है, देखिए अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, लेकिन वाई किसी दूसरे फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ गया तो आप डी यू बाई मतलब डी यू से गुना डी यू से भाग कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आर इसको चेन बनाना चाहते हैं तो डी यू, अगर यू भी किसी डब्ल्यू का फंक्शन है तो क्या है, इसको डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या, डी वाई बाई डी एक्स अगर वाई सपोज कीजिए यू का फंक्शन है तो डी यू बाई डी एक्स इस प्रकार से डी यू ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए u भी अगर किसी अगले वेरिएबल मीन्स कि w का फंक्शन तो dw नीचे dw ऊपर बाई dx इस प्रकार से, देखिए जनरली ये इसे कट जाएगा ये इसे कट जाएगा तो बचेगा dy बाई dx ही। चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर का सिंबल वगैरह समझ लो। y अगर x का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर क्या, अगर y को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, जिसका सिंबल होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि y को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। आप इसको y का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, इसको y1 भी लिखा जाता है, y डैश भी लिख सकते हैं। सिंबल समझिए, डी वाई बाई डी एक्स या डी एफ बाई डी एक्स वाई वन वन रह गया मीन्स की एक बार डिफ्रेंशिएशन, वाई डैश भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या एक और डी वाई भी लिख सकते हैं, एक कैपिटल डी वाई, कैपिटल डी का मतलब ही होता है डी वाई डी एक्स। उसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर तो एक बात बताते हैं, अगर वाई था समझिए वाई था, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हुआ डी बाई डी एक्स, ये कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ एक बार, इसको फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। वाई फंक्शन था एक बार देखिए अंदर डिफ्रेंशिएशन है और एक बार फिर से बाहर, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसको अगर अरेंज करके या जो भी सिस्टमेटिक वे से लिखा जाता है इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू आप डी एफ एक्स बाई डी डी टू एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको आप वाई टू भी लिख सकते हैं, वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको डी स्क्वायर वाई लिखा जाता है।
इस प्रकार से ये सेकेंड ऑर्डर का सिंबल हो गया। दो बार डिफरेंशिएट तीन बार कीजिएगा तो फिर से ये दो बार हो गया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल डैश हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, एन रहेगा। अगर एन बार डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि y एक ऐसा फंक्शन है जिसको n बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। n बार अगर एक रह गया तो यहाँ एक एक रह गया, दो रह जाएगा तो यहाँ दो दो, यहाँ तीन तो यहाँ तीन, यहाँ चार तो यहाँ चार, यहाँ पांच तो पांच। तो इसका मतलब हुआ कि अगर n यहाँ रह गया मीन्स कि n बार इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ये तो सिंबल हो गया, अब डिफरेंशिएट करना कैसे सो देखिए। ये फार्मूला अगर क्लियर है तो इसी फार्मूला पे बेस्ड अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन, अगर y इक्वल टू x के पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना है, कितना बार डिफरेंशिएट करना है, एक तो एक एक करके स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इसको सबसे पहले आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, स्टेप को समझिए। अगर एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सिंबल क्या होगा, dy बाय dx। तो इधर dy बाई dx लगाए, इधर भी dy बाई dx लगा दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करें। पावर का केस आ गया, क्या होता है रूल, पावर को बाहर कीजिए उसके पावर में एक कम कर दीजिए, 5x के पावर 4। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन आपको दो बार डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका फंक्शन आया उसी को फंक्शन मान के उसी को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। ताकि इसको देखिए dy / dx इक्वल टू 5x के पावर 4 है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। अगर फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy dx कितना हो जाएगा, dy / dx, दोनों तरफ dy dx लगा दीजिए, 5x के पावर 4। अब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन पहले से और एक बार फिर से हुआ, कितना बार डिफरेंशिएशन हो गया, दो बार। तो d2y / dx स्क्वायर, ये क्या हो गया, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, अकेले रहता था डिफरेंशिएशन जीरो। और फिर x के पावर 4 का क्या हुआ, पावर का, तो पावर को बाहर कर दीजिए उसके पावर में एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार से अपना 20x³ हो गया। ये तो दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, तीसरा बार। अगर तीन बार डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो देखिए d²y / dx², ये दो बार डिफरेंशिएशन, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20x³, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना। ऊपर कितना बार क्या डिफरेंशिएट कर चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये रखना है कि अगर आगे डिफरेंशिएट करना है तो जो फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे एक बार डिफरेंशिएट किए ये रिजल्ट है, अब इसको क्वेश्चन मान लीजिए और फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक बार पहले गुना चुका था, फिर से गुना किया दो बार। अब अगर दो बार का डिफरेंशिएशन का वैल्यू ही आ गया और आपको फिर से डिफरेंशिएट करना, तो इसी को क्वेश्चन मान लीजिए, इसी को क्वेश्चन, और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखिए y फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है और एक बार डिफरेंशिएशन फिर से हो रहा है, कितना बार डिफरेंशिएशन हो गया, तीन बार, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 कांस्टेंट है, पावर को बाहर कर दीजिए उसके पावर में एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60x², ठीक है, 60x² ये कितना बार, तीन बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब तीन बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए सिंबल में चलते, y4 का मतलब क्या हुआ, चार बार डिफरेंशिएशन, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, 60 कांस्टेंट है छोड़ दीजिए और x² का क्या हो जाएगा, 2x। तो इस प्रकार से y4 कितना हो जाएगा, 120x। एक चार बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, तो y कितना हो जाएगा, 5। तो y5 कितना हो जाएगा, ये 120 कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, 120 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1। इस प्रकार से y5 कितना हो गया, 120। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो y6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y6 का वैल्यू कितना, 120 क्या बचा, कांस्टेंट, x वाला कोई टर्म नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इस प्रकार से y6 कितना होगा, 0। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो y7 कितना होगा, 0 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। मतलब y6 के बाद हर एक
डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो रूल क्या है कि आपको जो कुछ भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो वो जो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव, आप इसको सिंबल के रूप में वाई वन भी लिख सकते हैं, ये वाई वन का वैल्यू हो गया। अगर इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो वाई टू का वैल्यू हो गया, ये तीन बार डिफ्रेंशिएट किए तो ये वाई थ्री का वैल्यू हो गया, इस प्रकार से वाई फोर। मतलब जो आपका एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया उसको क्वेश्चन मान लीजिए और फिर से उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर अगर वो क्वेश्चन आ गया फिर से उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ते चला जाएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 12.1, सब में आपको ये बताया गया है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, दो बार डिफरेंशिएट करना, सभी को दो बार डिफरेंशिएट करना। तो देखिए सबसे पहले वाई इक्वल टू, यहां पे लिखे गिवन गिवन वाई इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ, इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या ये दिया हुआ, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो वाई फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, डीवाई डी एक्स, इधर डिफरेंशिएट करेंगे डीवाई डी एक्स लॉग एक्स, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। तो इस प्रकार से मेरा डीवाई बाई डी एक्स जो एक बार डेरिवेटिव है, डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, वन बाई एक्स। ये वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन आपको निकालना सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, दो बार डिफरेंशिएट करना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, वी के क्या मिलेगा, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डायरेक्ट सिंबल लिखते डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स है, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा देखिए सबसे पहले y इक्वल टू log x फंक्शन था, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन बाई एक्स। अब ऊपर छोड़ दीजिए, इसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन मान लीजिए, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना, तो लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा दो बार, और वन बाई एक्स फंक्शन है तो वन बाई एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये तो वो सेकेंड ऑर्डर, अगर मान लीजिए एक बार और डिफरेंशिएट करना रहता तो कितना हो जाएगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, डी क्यू वाई बाई डी एक्स को, अब इसको क्वेश्चन मान लीजिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करना क्या हो जाएगा, माइनस डी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर माइनस टू और बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस, अब देखिए रूल क्या होता है पावर का, पावर को बाहर कर दीजिए उसके पावर में एक कम कर दीजिए, तो माइनस टू और एक कम होगा माइनस वन, तो माइनस थ्री, इस प्रकार से ये माइनस और माइनस प्लस टू बाई एक्स क्यूब। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, किसी को प्रॉब्लम मान लो, फिर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम करेंगे, इस प्रकार से आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, लेकिन आपको निकालना था सेकेंड ऑर्डर। इसको भी देखिए दो बार डिफरेंशिएट करना, तो सबसे पहले वाई इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखने के लिए सीख चुके हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, एक बार आएगा फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, चलिए तो वाई इक्वल टू, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कितना होगा, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर ट्वेंटी, तो रूल क्या होता है, पावर को बाहर कर दीजिए उसके पावर में एक कम कर दीजिए, तो ट्वेंटी माइनस वन नाइनटी, तो ये मेरा क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। लेकिन एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या ट्वेंटी कॉन्स्टेंट है छोड़ दिए, और फिर क्या होगा, पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम कर दीजिए एटी। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना था, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू क्या हो जाएगा, एक बार और, तो ये कांस्टेंट है ट्वेंटी इंटू नाइनटीन कॉन्स्टेंट है, एक्स के पावर एटीन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम कर देंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए वाई इक्वल टू लॉग लॉग एक्स है, वाई इक्वल टू लॉग लॉग एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना दो बार, तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएट कीजिएगा एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स लगाइए, तो डी वाई डी एक्स लॉग लॉग एक्स, अब देख के बताइए सबसे पहले आपको क्या मिला, यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, तो चेन रूल में क्या करते हैं कि शुरू से अंत तक डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा लॉग, और लॉग का क्या होता है वन बाई, तो लॉग का क्या होगा वन बाई, ये लॉग का
शुरू वाले लॉक का वन बाई हो गया, ए लॉक कैंसिल, फिर बच क्या गया, फिर बच गया ए वाला लॉक, तो लॉक का क्या होगा वन बाई एक्स, फिर ये लॉक कैंसिल, फिर बच क्या गया एक्स, और एक्स का क्या होगा वन। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकल गया वन बाई एक्स लॉग एक्स हो गया वन बाई एक्स। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए, तो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं एक्स लॉग एक्स का पावर कितना हो जाएगा माइनस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा डी बाई डी एक्स कितना एक्स लॉग एक्स का पावर कितना माइनस वन इतना हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पहले क्या देख रहा है पावर, तो पावर को बाहर कीजिए, पावर को बाहर कर दीजिए, पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम कर दीजिए, एक्स लॉग एक्स का पावर एक कम हो जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। देखिए रूल, पावर को बाहर किए उसके पावर में एक कम किए तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, ये तो हुआ पावर वाले का डिफ्रेंसिएशन। फिर बच क्या गया एक्स लॉग एक्स, प्रोडक्ट में एक्स लॉग एक्स गुणा में, देखिए एक्स इंटू लॉग एक्स, तो प्रोडक्ट रूल क्या, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को ढूंढ दीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए पहला को ढूंढ दीजिए, तो पहला को देखिए छोड़ दिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए वन बाई एक्स प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। रोल समझ आए, देखिए सबसे पहले पावर को बाहर किया माइनस वन था, उसके पावर में एक कम कर दिया माइनस टू हो गया, एक पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर बच गया एक्स लॉग एक्स, प्रोडक्ट में था, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट किए, इस प्रकार से कितना हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा एक्स से एक्स कैंसिल वन प्लस लॉग एक्स। इसको अरेंज करके अगर लिखेगा तो माइनस वन प्लस लॉग एक्स बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना, तो सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स, और टू कॉन्स्टेंट है छोड़ दिए, और एक्स का क्या होगा वन, लेकिन यहाँ टू अकेले कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन हो, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा टू एक्स का वन और ये टू का जीरो, इस प्रकार से टू हो गया। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होता तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, टू आपका कॉन्स्टेंट बचा और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक देखिए प्रोडक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा प्रोडक्ट में रहता, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए प्लस दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और प्लस कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, इस प्रकार से हो गया माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए ये माइनस को छोड़ दीजिए और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में तो रूल क्या होगा दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब प्लस दूसरा को छोड़ के अब पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हुआ प्रोडक्ट रूल फर्स्ट पार्ट। अब प्लस प्लस में एडिशन रूल क्या होता है, प्लस रहेगा तो प्लस देना, माइनस रहेगा तो माइनस प्लस, और फिर ये कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस, अब प्लस साइन एक्स और एक्स का क्या होगा वन, अब कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स ये वाला,
किस प्रकार से कितना हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, अब माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस टू साइन एक्स, माइनस चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू साइन फाइव एक्स, प्रोडक्ट में तो फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, तो y वन, वन का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, या y डैश भी लिख सकते हैं, तो y डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन करना, तो प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। इस प्रकार से y डैश का जो वैल्यू होगा वो e टू दी पावर x, और साइन का क्या होता है cos, साइन का cos, लेकिन यहाँ पे sin x नहीं है, साइन फाइव एक्स है, तो साइन का क्या होगा cos फाइव एक्स, और फाइव एक्स का क्या होगा फाइव, प्लस यहाँ साइन फाइव एक्स हो गया, और यहाँ पे e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x का क्या होगा e टू दी पावर x। इस प्रकार से आपका y डैश जो वैल्यू होगा वो e टू दी पावर x कॉमन लीजिए, कितना बचेगा फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, ये हो गया वाई डैश, एक बार डिफ्रेंसिएशन, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डबल डैश का वैल्यू कितना होगा, अगर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरे को मान लीजिए सेकेंड फंक्शन, फिर से प्रोडक्ट टूल अप्लाई कीजिए, आप यहाँ पे बिना कॉमन लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए ये आपका पहला फंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दिए, अब दूसरा को छोड़ के दूसरा को छोड़ दीजिए, फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, देखिए पहला को छोड़ दिए दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर रहे, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट कर रहे, रिजल्ट क्या होगा देखिए, डिफरेंशिएट कीजिए ए टू दी पावर एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, फाइव कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन, माइनस साइन फाइव एक्स, और फाइव एक्स का क्या होगा फाइव, प्लस रहता तो प्लस देते, माइनस रहता तो माइनस, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस फाइव एक्स, और फाइव एक्स का क्या हो जाएगा फाइव। स्टेप को समझिए, ए टू दी पावर एक्स, फाइव कॉन्स्टेंट का छोड़ दिए, कॉस का माइनस साइन, फाइव एक्स का फाइव, फिर साइन का कॉस, और फाइव एक्स का फाइव, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन हो नहीं रहा जैसे है वैसे रख दीजिए, कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा ई टू दी पावर एक्स। इस प्रकार से अब दोनों में देखिए ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, अगर ई टू दी पावर एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा फाइव इंटू फाइव, माइनस में ट्वेंटी फाइव साइन फाइव एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स, और फिर यहाँ तो कॉमन ले चुके हैं, कितना बचेगा फाइव कॉस फाइव एक्स, और यहाँ पे साइन फाइव एक्स। अब इसी को सिंप्लीफाई करके देखिए, यहाँ पे फाइव कॉस एक्स और फाइव कॉस एक्स, कितना होगा टेन कॉस फाइव एक्स, फाइव कॉस एक्स और फाइव कितना हो गया टेन कॉस फाइव एक्स, और यहाँ पे माइनस ट्वेंटी फाइव, और यहाँ पे प्लस वन कितना माइनस ट्वेंटी फोर साइन फाइव एक्स, आपका रिजल्ट हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब एक और है वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डैश का वैल्यू कितना होगा d बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स, देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिखा साइन, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस, चेन रूल, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो चुका, फिर क्या बचेगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स। इस प्रकार से y डैश मीन्स की डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, ये एक बार डिफ्रेंसिएशन की, और लेकिन आपको निकालना दो बार डिफ्रेंसिएशन, तो वाई डबल डैश फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये क्या आ गया डिवाइड में, तो डिवाइडिंग रूल, डिवाइडिंग रूल क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, डिवाइडिंग रूल क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉस लॉग एक्स,
नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दिए, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को छोड़ दिए, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स। अब फिर से यहां पे चेन रूल अप्लाई कीजिए, सबसे पहले क्या लिखा कॉस, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन, ये तो हो गया कॉस का, कॉस कैंसिल, लॉग बच गया, लॉग का क्या होगा वन बाई एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, और फिर एक्स का क्या होगा वन, और बाई एक्स स्क्वायर। देखिए ए एक्स और ई एक्स कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस साइन लॉग एक्स और माइनस कॉस लॉग एक्स और बाई एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स दे दिया, एक फंक्शन है y जो आपका जिसका वैल्यू साइन लॉग एक्स, आपको प्रूव करके दिखाना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखिए प्रूव करने का तीन रूल, आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाइए, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन है तो कोई डेरिवेटिव है नहीं, यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे दो बार, आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तीन प्रूफ करने का तीन तरीका, मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपको प्रूफ वाला मिलेगा, स्टेप को समझिए। यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव आपका दो है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, कभी कभी आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते वक्त यही टर्म आ जाएगा, प्रूफ हो गया। दूसरा अगर डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं प्रूफ होता तो आप लेफ्ट में किसका किसका वैल्यू चाहिए वाई का, वाई का वैल्यू जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव सबका वैल्यू निकाल के लेफ्ट में पुट कर दीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, राइट साइड आ जाएगा। ठीक है देखिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव आपको दो है तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो यहां पर सबसे पहले लिखिए गिवेन, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कितना होगा डी साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स। अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का सबसे पहले क्या देखा साइन, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस लॉग एक्स, साइन का क्या हो गया कॉस, साइन कैंसिल, लॉग का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस log x by x square, ये हो गया x square x, dy by dx equal to cos log x by x square। एक बार और बता देते ध्यान दीजिएगा, स्टेप को समझिए, अगर कभी भी एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद, एक बार ये कोई रूल नहीं है बस एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही करना, एक ध्यान दीजिए नोट में, अगर कभी भी एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद y1 एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर इस प्रकार से कुछ बटा में टर्म आ जाता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस प्रकार से बटा में कोई टर्म आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सबसे पहले मीन्स के सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर बटा में कुछ टर्म आ जाता है, डिवाइडिंग रूल थोड़ा टफ होता है, प्रोडक्ट रूल सिंपल होता है, इसलिए आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर बटा में कुछ टर्म आता है तो बेटर रहेगा कि आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा पहला दूसरा, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर रूट में आ गया तो आप सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड। रूल क्या है, बटा में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, रूट में आ गया स्क्वायर कर लीजिए, रूट में आ गया स्क्वायर कर लीजिए। चलिए यहां पे देखिए डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स बाई एक्स आ गया, बटा में आ गया तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया कॉस लॉग एक्स। लेकिन आपको तो जाना कहां तक है दो तक, लेकिन अभी तक पहुंचे कहा एक तक, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे तो दो फंक्शन गुना में आ गया, तो गुना वाले का रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए पहला को छोड़ दीजिए, रूल समझिए, पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो दूसरा क्या एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ दिए दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए, तो दूसरा तो एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो दो बार हो गया। पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पहला है क्या एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वन। लेफ्ट पार्ट में प्रोडक्ट रूल खत्म। अब दूसरे साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दूसरे साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिखा कॉस, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन, कॉस का क्या होगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और लॉग एक्स, लॉग एक्स कॉस का हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, और उसके बाद फिर लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा वन बाई एक्स। इस प्रकार से क्या हो गया आपका एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स और बाई एक्स। अब देखिए ए बटा में एक्स आ गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, तो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसके साथ भी गुना होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, पूरा के साथ गुना होगा ना, देखिए एक्स से अगर गुना कीजिएगा तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स। और बताइए साइन लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, साइन लॉग एक्स तो इसके बदले हम लोग वाई लिख देते हैं। गुना कीजिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और वो उधर माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस इक्वल टू जीरो, और आपको यही प्रूव करना था। तो क्या था कि आप डायरेक्ट दो बार डिफ्रेंशिएट करते गए डायरेक्ट प्रूव हो गया, अगर डायरेक्ट प्रूव नहीं होता तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट करते लेफ्ट में, और सबको सॉल्व करते तो राइट साइड आ जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, वाई इक्वल टू साइन साइन एक्स आपको प्रूव करना है, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस टेन एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, गिवन डिफ्रेंशिएटिंग, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या देखा साइन, और साइन का क्या होता है कॉस, चलिए साइन कैंसिल, फिर ए वाला साइन, ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का कॉस, ठीक है एक साइन कैंसिल, फिर साइन, साइन का कॉस और एक्स का वन, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका पहला फंक्शन मान लीजिए, ये आपको दूसरा फंक्शन मान लीजिए, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, पहला को छोड़ दीजिए कॉस साइन एक्स, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को धुनिए, पहले को छोड़ दीजिए दूसरे को धुनिए, पहले को छोड़ के दूसरे को धुन दो, दूसरे को छोड़ के पहले को धुन दो, पहले को छोड़ दिए दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट की प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पहला का क्या हो जाएगा कॉस का माइनस साइन साइन एक्स, चेन रूल, पहला को डिफ्रेंशिएट कर रहे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और फिर ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। फिर से समझिए, पहला को छोड़ दिए दूसरा को डिफ्रेंशिएट की, फिर दूसरा को छोड़ दिए पहला को, तो कॉस का माइनस साइन, ये साइन एक्स, फिर ये साइन का कॉस एक्स, तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, कितना हो गया, फिर ये आपका आ जाएगा माइनस एक कॉस एक्स और ये कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स, ये हो गया। अब देखिए डायरेक्ट प्रूव नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रूव नहीं हुआ तो सबका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अब एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस, एलएचएस क्या हो गया, एलएचएस आपका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस टेन एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी का वैल्यू, पुटिंग ऑल वैल्यूज, अगर सभी का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ ए क्या है सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना निकल चुका है माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू पुट कर दिए प्लस टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये टेन एक्स हो गया। और फर्स्ट डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना है साइन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। y दिया हुआ था, एक बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर से प्रोडक्ट रूल लगा के दो बार डिफ्रेंशिएट किए, डायरेक्ट प्रूफ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। LHS में सबका वैल्यू पुट कर देंगे, RHS तो आना ही आना, पुट किया। आप देखिए जोड़ घटा कीजिए, ये देखिए cos से cos कैंसिल, यहाँ पे देखिए sin sin x cos स्क्वायर, sin sin x cos स्क्वायर, sin sin x cos स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस था कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया इधर माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, इतना बच गया माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा साइन एक्स और कॉस कॉस साइन एक्स। देखिए ये है माइनस का और ये है प्लस का, कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया जीरो इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ हो गया। डायरेक्ट प्रूफ होता तो ठीक, नहीं तो लेफ्ट साइड वैल्यू सबका पुट कर देंगे राइट साइड आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपको ये कुछ प्रूव करना है। देखिए स्टेप को समझते हैं, फिर से देखिए y इक्वल टू इतना दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहले यहां लिखिए गिवन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा dy बाय dx, dy dx log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले आपको क्या लिखा, क्या लिखा, पावर दिख रहा है ना सबसे पहले, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन हो, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, पावर को बाहर करते हैं और उसी के पावर में एक कम कर देते, तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर एक कम कर देंगे तो दो में एक कम हो जाएगा एक, लिखे या ना लिखे पावर को बाहर करते उसके पावर में एक कम की, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। पावर के बाद क्या देखा लॉग, और लॉग का क्या होता है वन बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए सबसे पहले पावर को बाहर किए उसके पावर में एक कम किए, फिर क्या दिखा लॉग, लॉग का क्या होगा वन बाई एक्स, वन बाई लिख दिए, फिर लॉग कैंसिल, फिर इसके बाद एक्स का क्या होगा वन, फिर क्या बचा रूट, और रूट का क्या होगा वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, और ए स्क्वायर का क्या होगा जीरो प्लस जीरो, लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। फिर से मैंने इनको समझिए, पावर को बाहर किया उसके पावर में एक कम, फिर लॉग का वन बाई ये हो गया, फिर एक्स का वन, फिर रूट का वन बाई टू रूट, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और ए स्क्वायर का प्लस जीरो, लिखिए या ना लिखिए। तो देखिये ए से ए टू कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वन बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं क्या है वन है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके साथ गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, ये रिजल्ट हो गया। ये सेम है यहाँ एलसीएम लिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम लिया गया, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, यहाँ टू प्लस थ्री है, यहाँ थ्री प्लस टू है, तो जोड़ में उल्टा पुलटा बराबर, तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए एक्स प्लस ए, तो ये दोनों सेम टर्म हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx इक्वल टू कितना हो गया टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हम आपको बताएं यही चीज ध्यान रखना पूरा 12 चैप्टर में सेकेंड ऑर्डर, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद
एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर बटा में आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, रूट में आता है स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बटा में भी है और रूट में भी है, तो आप दोनों का दोनों काम कीजिए, बटा में भी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रूट में तो स्क्वायर। जो आपको सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव अलग चीज होता है, होल स्क्वायर अलग चीज है। इसका स्क्वायर कर दिया, अब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार। अरे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझिए, इसका स्क्वायर किए तो डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, दो का स्क्वायर चार, ये इसका होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझिए, इतना तक क्लियर है, कुछ नहीं यहाँ के बाद स्क्वायर की। आपको बताया क्या, रूट में अगर दिखेगा तो स्क्वायर कर लेना है, अब बटा में दिखेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। रूट में दिखा स्क्वायर कर लिया, बटा में अभी भी दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर, और बताइए लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y, तो इसको y लिख दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन वन लिख सकते हैं फ्रॉम वन, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको चाहिए क्या, डबल डेरिवेटिव, और है क्या अभी तक सिंगल डेरिवेटिव। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग, समझिएगा। देखिए दो फंक्शन गुना में प्रोडक्ट, पहला को छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, ऐसा केस आपको 8-10 बार अभी मिलेगा। तो पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, तो दूसरा में है क्या पावर, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, उसके पावर में एक काम, स्टेप को समझिए। सबसे पहले पहला को छोड़ दिए, दूसरा को डिफरेंट पावर, तो पावर को बाहर करके उसके पावर में एक काम, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर से अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंदर में एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, और एक बार और करेंगे, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया, फिर से देखिए पहला को छोड़ दिए, पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम किए, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, एक बार हो चुका है, एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे दो बार, तो पहला को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन हुआ प्लस, फिर दूसरा को छोड़ दीजिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए दूसरा को छोड़ दिए, अब पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0 मींस कि 2x इक्वल टू 4, और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। स्टेप को समझिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट किए, पावर को बाहर करके उसके पावर में एक कम, फिर डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एक बार का दो बार हो जाएगा, अब फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट किए, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, अब 4 कांस्टेंट का छोड़ दिया और वाई का डीवाई बाई डी एक्स। देखिए 2 डीवाई बाई डी एक्स, 2 डीवाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ से 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 2 डीवाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहां से 2 और यहां से डीवाई बाई डी एक्स, तो क्या बच गया एक्स डीवाई बाई डी एक्स, 2 डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लिया गया, और इसको 4 को लिख दीजिए 2 इंटू 2 डीवाई बाई डी एक्स, और ये 2 डीवाई बाई डी एक्स है, 2 डीवाई बाई डी एक्स कट गया, तो बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल वाई टू भी होता है, अब प्लस एक्स डीवाई बाई डी एक्स मीन्स की फर्स्ट डेरिवेटिव, अब फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल वाई वन होता है इक्वल टू 2, बुक में गलत दिया हुआ है उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 2 होगा, क्या होगा इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ये प्रूव हो गया, ये 2 को इधर भी ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू 1 माइनस में x स्क्वायर का होल टू द पावर 3 बाई 2,
पावर में 3/2 और आपको प्रूव करना है कि 1 - x² सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 3y = 0 प्रूव करना है। तो देखिए इतना दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा, पावर बाहर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए पावर का डिफ्रेंशिएशन, पावर बाहर करके उसके पावर में एक कम, तो 3/2 - 1 मीन्स की 1/2 और फिर 1 का क्या होगा 0 और x स्क्वायर का क्या होगा 2x। पावर को बाहर किए उसके पावर में एक कम, फिर 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx क्या बच गया, ये वाला माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3 - x - 3x और ये 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो -3 कॉमन ले लीजिए, ये दोनों देखिए इसमें से ये पहला फंक्शन मानिए, इसको दूसरा फंक्शन मानिए, पहला दूसरा, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, -3x रूट एक्स का क्या होगा 1/2 √x और फिर 1 का क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, पहले से माइनस था तो -2x हो गया। देखिए रूट का 1/2 √, फिर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, -2x 0 लिखिए ना लिखिए, फिर ये हो गया x का क्या हो गया 1। इस प्रकार से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो x और x एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस है, तो -x² / √ एलसीएम लीजिए, एलसीएम इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -x² रूट और रूट गुना होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट और रूट जिसे √x / √x एक्स होता है, तो उसी प्रकार से 1 - x² होगा, कितना हो जाएगा 1 और -x² और -x² माइनस क्या हो जाएगा 2x², इतना आ गया सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू। ये मेरा निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव, डायरेक्ट प्रूव नहीं हुआ, तो एलएचएस में वैल्यू पुट कीजिए, एलएचएस क्या है इतना, देखिए 1 - x² सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू ये है, फिर उसके बाद आपका 3 और वाई का वैल्यू। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स को हम लोग लिख सकते हैं √x / √x, तो कभी भी एक्स वाई रूट एक्स रहता है, इसको हम लोग √x / √x, तो √x / √x कैंसिल हो जाएगा, तो उसी प्रकार से देखिए ये क्या लिखा हुआ 1 - x² है, ये लिखा हुआ √√1 - x², मतलब अगर इसको एक्स मानते हो तो x / √x, तो x / √x का वैल्यू क्या होता है √x, मतलब आधा से आधा कट गया, आधा बच गया, ये -3 ये आधा बच गया, ये कट गया और ये 1 - 2x², फिर इसको गुना कीजिएगा तो -3x / x² रूट वाला टर्म, और ये 3 पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या डेढ़, डेढ़ का मतलब क्या एक और आधा, देख लीजिए x के पावर 3/2 को लिख सकते हैं x / √x, ताकि आप जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ऐड कीजिएगा तो 3/2, तो x के पावर 3/2 को लिख सकते हैं x√x, तो इसी को लिखा दिया गया x, x के स्थान पर 1 - x² x√x, ठीक है। अब देखिए इस सभी में इसमें 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 -3√√1 - x² कॉमन मिल रहा है, तो ये वाला टर्म अगर कॉमन ले लेते तो बच जाएगा 1 - 2x², यहाँ -3 और ये वाला कॉमन ले लिए तो +x² बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस था और ये कॉमन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 3 कॉमन ले चुके हैं, ये वाला कॉमन ले चुके हैं, ये वाला और ये वाला कॉमन ले चुके हैं, तो बच गया 1 - x². इस प्रकार से ये 1 हो गया, -2x² + x² -x² गुना कीजिएगा -1 और +x², तो प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और प्लस कैंसिल, बच के आ गया 0 और 0 × something क्या हो जाएगा 0, तो इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y = a sin x + b cos x और आपको ये इतना प्रूफ करना है, दो बार डिफ्रेंशिएशन, दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए dy/dx, ए कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, साइन का हो जाएगा cos x और b cos का क्या हो जाएगा -sin x, मींस कि a cos x और -b sin x, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसको एक बार और कीजिए डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, cos x का क्या हो जाएगा -sin x और -b sin x का क्या हो जाएगा cos x, इतना हो गया d² / dx² = a - कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा a sin x और +b cos x, इस प्रकार से क्या हो जाएगा d² / dx² = बताइए a sin x + b cos x, a sin x + b cos x को क्या लिख सकते हैं y, इस प्रकार से d² / dx²
ये माइनस का, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, वाई इक्वल टू जीरो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू इतना दे दिया और आपको बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू इतना है और एक इक्वेशन इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, a और b का वैल्यू निकालना आपको, कि a और b का वैल्यू क्या होगा। y इक्वल टू अगर इतना दिया और इतना अगर इतना इक्वल टू इतना हो जाता है, a और b का वैल्यू निकालना। a और b का वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और दोनों साइड इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन निकलेगा। सॉल्व करेंगे ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले हमको चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, तो वाई इक्वल टू इतना है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कॉन्स्टेंट है, साइन का कॉस और फाइपेक्स का फाइव, बी कॉस का माइनस साइन और फाइपेक्स का फाइव, एक बार डिफरेंशिएशन का वैल्यू इतना निकल गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, फाइव ए कॉन्स्टेंट है, कॉस का माइनस साइन और फाइव एक्स का फाइव, फाइव बी कॉन्स्टेंट है, साइन का कॉस और फाइव एक्स का फाइव, सेकेंड डेरिवेटिव भी मेरा निकल गया, गुना कीजिएगा फाइव और फाइव ट्वेंटी फाइव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, सेकेंड डेरिवेटिव निकल गया, सभी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव उठा पुट कर लिया गया, फिर वन बाय फाइव, देखिए इसमें फाइव और फाइव कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइव और फाइव कॉमन ले लीजिएगा, कितना बचेगा, फाइव इंटू ए कॉस फाइव एक्स माइनस बी साइन फाइव एक्स, इतना हो गया, फाइव और फाइव कैंसिल, प्लस फिफ्टीन वाई का वैल्यू पुट कीजिए, इक्वल टू 101 साइन फाइव एक्स। अब इसको जोड़ घटाव कीजिए, देखिए माइनस 25 ए साइन फाइव एक्स और प्लस 15 ए साइन फाइव एक्स, माइनस 25 और प्लस 15 माइनस 10 ए साइन फाइव एक्स, माइनस 25 बी कॉस फाइव एक्स और 15 बी कॉस फाइव एक्स, कितना बचेगा, माइनस 10 बी कॉस फाइव एक्स और फिर ये वाला ए कॉस फाइव एक्स और माइनस में बी साइन फाइव एक्स इक्वल टू 101 साइन फाइव एक्स। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक साइन एक्स आ रहा है, साइन फाइव एक्स आ रहा है और एक कॉस फाइव एक्स आ रहा है, तो साइन फाइव एक्स को एक साथ रखिए, कॉस फाइव एक्स को एक साथ रखिए, साइन फाइव एक्स कॉमन ले लीजिए। अगर साइन फाइव एक्स अगर आप कॉमन लेते तो देखिए साइन फाइव एक्स यहाँ पे है और साइन फाइव एक्स यहाँ पे, तो साइन फाइव एक्स कॉमन ले लेते तो यहाँ पे बचेगा माइनस 10 ए और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस में बी, और कॉस फाइव एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉस फाइव एक्स यहाँ पे है और कॉस फाइव एक्स यहाँ पे, कितना हो जाएगा माइनस 10 बी प्लस ए इक्वल टू 101 साइन फाइव एक्स। देखिए राइट साइड में क्या है कि सिर्फ साइन फाइव एक्स है, कॉस नहीं है, तो प्लस हम लोग जीरो लिख सकते हैं और कॉस फाइव एक्स, ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम दोनों साइड इक्वेट कर सके। इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड कॉफिशियंट ऑफ, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड कॉफिशियंट ऑफ साइन फाइव एक्स एंड कॉस फाइव एक्स। देखिए साइन फाइव एक्स के बगल में जो लिखा हुआ और कॉस फाइव एक्स के बगल में जो लिखा हुआ, दोनों तरफ इक्वेट कीजिए। तो देखिए साइन फाइव एक्स के बगल में क्या लिखा हुआ, माइनस 10 ए माइनस में बी, माइनस 10 ए माइनस में बी, लेकिन इधर राइट साइड में साइन फाइव एक्स के बगल में क्या लिखा हुआ, 101, तो 101 हो गया। उसी प्रकार से कॉस फाइव एक्स के बगल में क्या लिखा हुआ, माइनस 10 बी प्लस ए, और कॉस फाइव एक्स के बगल में कॉस फाइव एक्स था ही नहीं, मीन्स की जो टर्म नहीं रहता उसका कोफिशिएंट हमेशा जीरो रहता है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 बी, और इसमें ए के स्थान पर 10 बी पुट कर दीजिए, 10 बी, तो 10 इंटू 10 100 बी और माइनस में 1, कितना हो जाएगा माइनस 101 बी, तब ए 101 से 1 कैंसिल, तो बी इक्वल टू माइनस 1, और जब बी का वैल्यू निकल गया तो ए का वैल्यू कितना है 10 बी, तो बी का वैल्यू माइनस 1, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 10। क्वेश्चन ये था कि अगर y इक्वल टू इतना दिया हुआ और एक इक्वेशन दिया हुआ तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, इसमें जिसका जिसका वैल्यू चाहिए था उसका वैल्यू निकाल के साइन फाइव एक्स को एक साथ कॉस फाइव एक्स को एक साथ दोनों को कोफिशिएंट को इक्वेट किए, दो इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, ए और बी का वैल्यू मिल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सेम क्वेश्चन है। y इक्वल टू ए टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स दिया हुआ, तो आपको इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है, एग्जाम का पूछा हुआ भी क्वेश्चन। देखिए आपको क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, ए आपका कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, e का डिफरेंशिएशन क्या होता है e, और एम एक्स का क्या होगा एम, ए कॉन्स्टेंट का छोड़ दिए, e का डिफरेंशिएशन e, फिर एम एक्स का एम इंटू वन, और प्लस बी आपका कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, ई के पावर एन एक्स का ई के पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का क्या होगा एम इंटू एक्स, एक्स का वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम ए
ए टू दी पावर एम एक्स प्लस एन बी ए टू दी पावर एन एक्स। एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, इसको एक बार और डिफ्रेंसिएट कीजिए, कितना आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, एम ए छोड़ दीजिए, e के पावर एम एक्स का e के पावर एम एक्स और एम एक्स का m इंटू वन, फिर एन बी e के पावर एन एक्स और एन एक्स का m इंटू वन। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, m इंटू एम, एम स्क्वायर ए e टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी e टू दी पावर एन एक्स। सबका वैल्यू निकल गया, डायरेक्ट प्रूव नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस में सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। एलएचएस क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन फर्स्ट डेरिवेटिव और प्लस एम एन वाई, सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है, एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स, एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है, एम ए ई टू दी पावर एम एक्स एन बी ई टू दी पावर एन एक्स और प्लस एम एन वाई का वैल्यू कितना है, ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स। चलिए अब सबको गुना कीजिए, सब कट जाएगा, कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स। गुना कीजिए, गुना कीजिएगा एम से, गुना कीजिए माइनस है, कितना हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर ए ई टू दी पावर एम एक्स, फिर माइनस से गुना कीजिएगा इसमें, तो माइनस एम एन ई टू दी पावर एन एक्स, फिर माइनस एन से गुना कीजिए, तो माइनस एम एन यहाँ पे एम एन बी भी होगा, एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स, फिर यहाँ पे होगा माइनस एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स और माइनस एन स्क्वायर बी ई टू दी पावर एन एक्स, और इसको अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स और एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स। देखिए अब कौन कौन सा टर्म कट रहा है, सब कट जाएगा, एम स्क्वायर देखिए ये प्लस का ए माइनस का, फिर ये प्लस का ए माइनस का, देखिए ए माइनस का ए प्लस का, ए माइनस का ए प्लस का, सब कट गया, इक्वल टू जीरो इक्वल टू आर एच एस, प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।